Hi everyone, welcome and welcome back to our channel Sister Reaction. It's me Aliza here. It's Naya here and hope you all are doing great. Today's reaction is about another trailer. Ajay Devgan and Akshay Khanna ji ki ek bahut zabardast movie aa gayi jiska aaya hai part 2. अजय देवगन की तो बहुत बैक टू बैक सेकंड मूवी आई है, लेकिन अक्षय खन्ना की काफी लॉन्ग टाइम के बाद एक मूवी आ रही है। दृश्यम नेम है इसका, दृश्यम। अगर नेम ठीक ले रहे हैं तो क्या कहते हैं जी, इस पे रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी तो एंड पे जरूर हमें लाइक दे के जाइएगा एक, और इसके साथ साथ किसी ना किसी के साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, आप जाएं जाके फटाफट से फॉलो करके आए हमें इंस्टाग्राम पे। तो मेरा ख्याल है डिले किए बिना हम रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। अभी ये बहुत नया नया आया तो हमने सोचा कि क्यों ना फटाफट से उस पर रिएक्शन दिया जाए। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। बहुत सात साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आया हूँ, पुलिस यहाँ खोद रही है वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। पापा, वो पुलिस आ रही है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? कहीं आपने भाई को तो। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? केस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय भाव ने बॉडी वही छिपाई है। बड़ा सर, सर, सर। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, आज भी वही करूँगा। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। वीडियो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। ट्रेलर के मुताबिक एक यानी कि 7 सालों से किसी केस के ऊपर ये मूवी है, जो एक बंदे को दफनाया गया या दबा दिया गया मिट्टी में और उसके बाद पूरे शहर को खोदा गया लेकिन वो मिला नहीं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इस ट्रेलर की ये है कि इस ट्रेलर में ना मूवी को रिवेल नहीं किया गया, उसकी स्टोरी क्या थी बिल्कुल रिवेल किया नहीं गया, बहुत कुछ इसमें छुपा के रखा गया। ऐसा है कि अगर आप मूवी देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब सही जो है ना, सस्पेंस वाली और इंटरेस्ट करने वाली मूवी है। वो तो है, वो तो एंड तक है। एंड पे इंटरेस्ट भी आता जाएगा। इस तरह की मूवी बनी हुई है, बहुत स्टोरी जो है ना घूमी फिरी लग रही है, फन स्टोरी। और उन्होंने एक चीज बड़े मजे की बोली है कि सच कभी भी छुपता नहीं, हमेशा निकल के रहता। तो इस कहानी का जो सच है, उम्मीद करते हैं कि एंड पे निकलेगा। नवंबर में आ रही है ये मूवी और बैक टू बैक यानी कि अजय की काफी ज्यादा आ रही हैं। अजय उन्होंने काफी की है मूवीज अब जी, इस दफा तो काफी ज्यादा की है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर वहाँ पे कोई ना कोई मैसेज कीजिएगा। एंड वीडियो रिएक्शन अगर पसंद आया है, मजे का लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यस, अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जाके फटाफट से फॉलो करें। कोई रिक्वेस्ट है वो भी बता दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना रखें बहुत ध्यान।